ओके, सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जीआरएस टेक्निकल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिफरेंशिएशन कवर अप कराने वाली हूँ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। सो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो आज इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे, तो प्लीज़ आज की इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएशन लिखना है आपको ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में, तो पहले आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये 5 मार्क्स का बेसिकली पूछा जाता है, बट मे बी आपसे 3 मार्क्स का पूछा जाए या 5 मार्क्स का ही पूछा जाए, ठीक है। ये टोटली एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, बोर्ड पर डिपेंड करता है। अब बात आती है कि जब भी हम डिफरेंशिएशन लिखेंगे तो इस तरीके से बिल्कुल प्रॉपर मैनर में हमको लिखना है, एक तरफ ट्रांसवर्स और एक तरफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऐसे बहुत बोला भी है कि ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या फिर कोई सा भी आपसे जब भी डिफरेंशिएशन लिखने को बोला जाएगा तो आप इस तरीके से लाइन को ड्रॉ करके बनाना। बट देन ऑल्सो उनसे ये मिस्टेक हो जाती है कि एक तरफ ये ट्रांसवर्स लिखेंगे फिर नीचे में लॉन्गिट्यूडनल लिख लेंगे या जो भी टॉपिक होता है उस तरीके से लिख देंगे, तो इस तरीके से नहीं लिखना होता है स्टूडेंट्स। आपको ये समझना पड़ेगा बोर्ड में ऐसा अलाउ नहीं है। अगर आपका पैटर्न सही होगा और आंसर सही होगा तो ही आपको मार्क्स वहाँ पे मिलते हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांसवर्स वेव के बारे में। पहले तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, द मोमेंट ऑफ द मीडियम इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी कि जो ट्रांसवर्स वेव होता है उसका जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव होता है, लाइक ठीक है। अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, तो द मूवमेंट ऑफ द मीडियम इज़ ऑफ सेम डायरेक्शन ऑफ द वेव, यानी कि जो मूवमेंट होता है ना उसका, मूवमेंट ऑफ मीडियम होता है लॉन्गिट्यूडनल का, वो उसका जो डायरेक्शन होता है वो बिल्कुल सेम होता है, ठीक है। तो ऐसा समझने में आपको ईजी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इट एक्ट्स इन टू डायमेंशन, यानी कि जो ट्रांसवर्स वेव जो होता है वो टू डायमेंशन में वर्क करता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव कैसे वर्क करता है, टू डायमेंशन में, वहीं लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो 1 डायमेंशन में वर्क करता है, एक्ट करता है, राइट। थर्ड पॉइंट है हमारा, द वेव कैन बी पोलराइज्ड और अलाइड, यानी कि जो ट्रांसवर्स वेव है वो पोलराइज्ड हो सकता है या फिर अलाइड में हो सकता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, है ना। अब बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द वेव कैन नॉट बी पोलराइज्ड और अलाइग्न, यानी कि जो वेव वो होता है वहाँ पे पोलराइज्ड नहीं होगा ना ही अलाइग्न होगा, ठीक है। तो ट्रांसवर्स में यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि ये तो पोलराइज्ड हो सकता है या फिर अलाइग्न हो सकता है, बट इन परपेंडिकुलर ना तो ये पोलराइज्ड होगा ना ही अलाइग्न होगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द वेव कैन बी प्रोड्यूस इन सॉलिड एंड लिक्विड सर्फेस, यानी कि जो ट्रांसवर्स वेव जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सॉलिड या फिर लिक्विड सर्फेस में, राइट। वहीं अगर हम देखें लॉन्गिट्यूडनल की तरफ, तो दिस वेव कैन बी प्रोड्यूस इन एनी मीडियम सच एज गैसियस, लिक्विड और सॉलिड, यानी कि ये कोई से भी मीडियम में प्रोड्यूस कर देता है वेव को, चाहे वो गैसियस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, इट इज़ मेड अप ऑफ थ्रो एंड क्रिस्ट, यानी कि वो क्रिस्ट के से बना हुआ होता है और थ्रो से बना होता है, ठीक है। वहीं अगर हम देखें लॉन्गिट्यूडनल की तरफ, तो इट इज़ मेड अप ऑफ रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन, ठीक है। सो ये था आज का कुछ डिफरेंशिएशन जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। एंड अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।